नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा सत्ता का ड्रामा खत्म हो गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार कहती रहती है कि उनका शिंदे के विधायकों के खिलाफ विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमृता फडणवीस ने उनके दावे को खोखला साबित कर दिया। बता दें कि अमृता फडणवीस जो है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, जिनकी बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में काले धन की बाढ़ कैसे आई, नागपुर और ठाणे के हारून अल रसीद भेष बदलकर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को विभाजित करने की साजिश को अंजाम देने के लिए मिल रहे थे। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ जो बगावत की, इसका भाजपा से संबंध नहीं है, ऐसा कहने वाले भाजपाइयों की पोल खुल चुकी है। शिंदे ने खुद ही पर्दे के पीछे की सारी साजिश विधानसभा में खोलकर रख दी। बता दे आपको कि यहाँ पर संजय राउत उस बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं जो एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में देते हुए ये कहा था कि ये जो शिवसेना के विधायक है, ये उठते थे सोकर सोने जाते थे, और सुबह जब सोकर उठते थे उससे पहले मैं जाता था और जो है देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आ भी जाता था। तो इसी बयान को कोट करते हुए जो है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि विधानसभा में किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने खुद की ही पोल खोल कर रख दी। अब अमृता फडणवीस ने भी घर का गुप्त राज सार्वजनिक कर दिया है। आपको बता दे कि अमृता ने कहा कि इस पूरे दौर में देवेंद्र फडणवीस रात बिरात वेश बदल कर शिंदे से मिलने बाहर जाते थे। राउत ने कहा काला कोट, काला चश्मा और फेल्ट हैट, इस तरह जेम्स बॉन्ड अथवा शर्लक होम्स जैसे वेश बदल कर वो बाहर निकलते रहे होंगे। उनके मुंह पर सिगार वगैरह और हाथ में नक्शादीदार छड़ी होती थी क्या? इसका खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों के और रूप बदलकर घूमने के शौकीन हैं, परंतु फडणवीस भी वही करने लगे हैं। उन्होंने शिंदे से मिलने जाने के दौरान कई बार नकली दाढ़ी और मूछें भी लगाई होगी। इन तमाम रहस्यों से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पर्दा नहीं उठाया होता तो इस महान कलाकार से महाराष्ट्र का परिचय नहीं हुआ होता। अमृता फडणवीस का जितना आभार माना जाए उतना कम ही है। शिवसेना सांसद ने सामने से उन्होंने अपने जो है संपादकीय में आगे लिखा, फडणवीस ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए जो वेश बदला वो तमाम कपड़े और दूसरी सामग्री आने वाली पीढ़ी के लिए किसी संग्रहालय में ही रखनी चाहिए। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद कई बार वेश बदल कर अपने राज्य में रात में घूमते थे, परंतु वो क्यों घूमते होंगे? अपने राज्य का प्रशासन, सरदार प्रजा जो है प्रजा से सही बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, प्रजा की समस्या क्या है, अपना शासन सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं, राजकाज करने के दौरान कोई हमें फंसा तो नहीं रहा है ना, ये जानने के लिए। परंतु नागपुर और ठाणे के हारून अल रशीद वेश बदल कर मिलते थे तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हारून अल रशीद एक महान खलीफा होने के साथ साथ बगदाद के लिए जिस तरह से अच्छे राजा थे, उसी तरह चोर और लुटेरों की भी इनमें भेमार थी। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से संजय राउत जो है काफी ज्यादा आग बबूला नजर आए और देवेंद्र फडणवीस पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए, क्योंकि संजय राउत के हिसाब से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सरकार टूटना, महाविकास अघाड़ी की सरकार टूटने के पीछे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का हाथ है, और इस बात को लेकर वो लगातार जो है बागी विधायक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते रहते हैं। और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के लिए उनके जो अंदर की बातें हैं उन्होंने सामने रखी, और इस बार तो उन्होंने उनका कंपेरिजन है बगदाद के ही एक खलीफ से कर दी है। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी कल की ही बात है जब संजय राउत ने नासिक में अपने दो दिवसीय दौरे पर बागी विधायकों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने जहां एक और नासिक के निराश हताश शिव सैनिकों में नई जान भरने का काम किया था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों को आड़े हाथ लिया। राज्य में महाविकास अघाड़ी जो सरकार है उसके पतन के बाद संजय राउत बहुत ही ज्यादा आक्रामक रुख से नजर आए। वह शिवसेना के विद्रोह के बाद और अधिक सक्रिय हो गए हैं।
राउत अब बागियों के खिलाफ आक्रामक रूप अपना रहे हैं और उनकी कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। बता दें आपको कि इसी तरीके से अब जो है उन्होंने ये भी बताया कि क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से जो है विद्रोह हुआ है। बता दें अपनी नाशिक यात्रा के दौरान उन्होंने विद्रोह के 10 कारण बताए। विद्रोहियों के बीच कोई आम सहमति नहीं है उनका कहना है। राउत ने ये कहते हुए कहा कि उन्होंने जाने के लिए कई अलग अलग कारण जो है और सब कारण बताए और सभी कारणों की सूची पर डाली। राउत ने कहा कि उन्होंने पहले दिन कहा कि वह हिंदुत्व के लिए निकले हैं। अगले दिन उन्होंने कहा कि NCP के लोग फंड नहीं दे रहे हैं इसीलिए वो चले गए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं इसीलिए वो चले गए। आदित्य ठाकरे बहुत ही ज्यादा हर काम में दखल दे रहे हैं इसीलिए बहुत से विधायकों ने बाहर का रास्ता पकड़ लिया। राउत ने कहा कि कुछ विधायक इसीलिए हमें छोड़कर चले गए क्योंकि उनका ये मानना था कि शरद पवार शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि चिमड़राव पाटिल ने मुझसे कहा कि मैं गुलाब राव की परेशानियों से थक कर बाहर आया हूँ। अब देखना यह है कि आने वाले समय में संजय राउत की ओर से दी गई ये संजीवनी शिवसेना के लिए कितनी कारगर हो पाती है। शिवसेना खत्म ना हो और उन्हें बता दें कि इस पूरे मामले पर एक और जो है बयान आया वो भी जो है शिवसेना के ही एक नेता छगन का। उन्होंने कहा कि शिवसेना खत्म ना हो यही हर मराठी व्यक्ति की इच्छा है। वर्तमान में शिवसेना में जो कुछ हो रहा है वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात जो है NCP के वरिष्ठ नेता जो है छगन भुजबल उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा भुजबल ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए सभी विधायकों की आलोचना भी की और आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना छोड़कर उन्होंने ठीक नहीं किया। भुजबल ने आशा जताई कि शिवसेना कभी खत्म नहीं होने वाली है चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। ऐसे में कि हमने जैसे आपको बताया कि संजय राउत इस वक्त काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और लगातार जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर काफी ज्यादा जो है अपनी जुबानी वॉर जो जुबानी जंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस पर एक बार फिर से निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा लगातार कहती रही है कि उनका शिंदे के विधायकों के खिलाफ विद्रोह में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमृता फडणवीस ने उनके दावों को खोखला साबित कर दिया। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में काले धन की बाढ़ कैसे आई, नागपुर और थाने के हारून अल रशीद भेष बदलकर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को विभाजित करने की साजिश को अंजाम देने के लिए मिल रहे थे। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ ही बगावत की उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं ऐसा कहने वाले भाजपाइयों की पोल खुल चुकी है। शिंदे ने खुद ही पर्दे के पीछे की सारी साजिश विधानसभा में खोल कर रख दी और अब अमृता फडणवीस ने भी घर का गुप्त राज सार्वजनिक कर दिया है। आपको बता दें कि अमृता ने यह कहा था कि इस पूरे दौर में देवेंद्र फडणवीस रात बिरात वेश बदलकर शिंदे से मिलने बाहर जाते थे। राउत ने कहा कि काला कोट, काला चश्मा, फेल्ट हैट और इस तरह से जेम्स बॉन्ड और शर्लक होम्स जैसा वेश बनाकर वो वहां निकलते रहे होंगे। उनके मुंह में सिगार वगैरह और हाथ में नक्शादीदार छड़ी होती होगी क्या, इसका खुलासा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कपड़े और रूप बदल कर घूमने के काफी ज्यादा शौकीन है, परंतु फडणवीस भी अब वही करने लगे हैं। उन्होंने शिंदे से मिलने जाने के दौरान कई बार नकली दाढ़ी और मूछें भी लगाई होगी और इस तमाम रहस्यों से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने पर्दा नहीं उठाया होता तो इस महान कलाकार से महाराष्ट्र का परिचय नहीं हुआ होता। अमृता फडणवीस का जितना आभार माना जाए उतना कम ही है। शिवसेना के सांसद ने सामने संपादकीय में लिखा कि फडणवीस ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए जो वेश बदला वो तमाम कपड़े और दूसरी सामग्री आने वाली पीढ़ी के लिए किसी संग्रहालय में यानी म्यूजियम में रखनी चाहिए। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद कई बार वेश बदलकर अपने राज्य में रात में घूमते थे, परंतु घूमने का कारण जो है राज्य का प्रशासन सरदार प्रजा से सही बर्ताव कर रहे कि नहीं, प्रजा की समस्या का कारण क्या है, शासन सही से चल रहा है कि नहीं, ये होता था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो वेश बदलकर घूमते थे तो वो जो है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने का काम किया करते थे। तो साफ तौर पर आज आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय राउत जो है लगातार जो है काफी ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी करके एकनाथ शिंदे, बागी विधायक और देवेंद्र फडणवीस पर हमलावार नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक टिप्पणी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया। हमने आपको बताया कि क्या कुछ बयानबाजी शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से देवेंद्र फडणवीस पर की गई है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।